में एक वृद्ध महिला अपने बेटे को 2 महीने से तलाश रही है, लेकिन लापता बच्चे का पुलिस सुराग नहीं लगा पा रही है। मौजूदा थाना वजीरगंज क्षेत्र अंतर्गत सुभान नगर मोहल्ले में, और मेरे साथ में एक पीड़ित महिला मौजूद है जिनका लगभग 2 महीने से बच्चा गायब है। लगातार ये पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन इनके बच्चे का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। और क्या कुछ पूरा मामला है, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए उस पीड़ित महिला के पास हम आपको ले चलते हैं। क्या कुछ आपका मामला है, कब से आपका बच्चा गायब है, पुलिस को आपने कब सूचना दी, और पुलिस की तरफ से आपको क्या अब तक क्या आश्वासन मिला? 16 जुलाई का मेरा बेटा गया चौराहे पे, झगड़ा हुआ। अंकुर नाम का लड़का है। पहले ये बता दिए कि कितने वर्ष का आपका बेटा है? मेरा लड़का 23 साल का है जी। और यहाँ से घर से गया, उसके बाद में झगड़ा हुआ, चौराहे पे झगड़ा हुआ अंकुर से। वो इनका ड्राइवर है, क्या बोलते हैं, नाम का ड्राइवर था वो। हमारे लड़के से मारपीट हुई और गाली गुप्ता हुआ। और उसके बाद में लड़का मेरा था चौराहे पे 2 बजे उसे लल्लू और असमनी के साथ में था वो। 2 बजे के बाद मानू के संग लड़का हमारा, रात में उसको शराब पिलाई गई, और पिला करके पता नहीं कहाँ चला गया हमारा बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें इन लोगों पे शक है कि हमारे बेटे को इन्हीं लोगों ने गायब किया है। तो जब आपने, देखिए रोइए नहीं, परेशान नहीं होइए, प्रशासन आपका साथ देगा। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और ऐसे मुख्यमंत्री हैं, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, इसके लिए आप परेशान ना हो। हमको पूरी जानकारी दें, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। पुलिस आपकी सहायता करेगी, पुलिस सहायता नहीं करेगी तो और साधन है ना। पूरी जानकारी दे, तो जब आपको ये सूचना मिली, आप पुलिस के पास गई, तो पुलिस से क्या आपको सहायता अब तक मिली है 2 महीने में? सर तक कुछ नहीं मिला हमें। हम रिपोर्ट लिखाया हमने वजीरगंज थाने में, वहाँ से आई रिपोर्ट चौकी पे आ करके वहाँ भी, उसके बाद में हमने उसमें डाल दिया था, क्या बोलते हैं, वाटर पे डाल दिया था। तो यहाँ पे दरोगा ने बुलाया हमको, हमारी लड़की को बुला करके उन्होंने कहा कि तुम्हारी कार्रवाई चल रही, हमने टीवी पे डलवा दिया, हमने उसमें डलवा दिया, हमने सब जगह कर दिया, तुम्हारा काम हो रहा है और परेशान मत होइए। फिर हमारी लड़की से लिखवा लिया उन लोगों ने, दरोगा ने, कि आप संसुख है हमारे उससे पढ़ाई, क्या बोलते हैं, कार्रवाई से जो है आप संसुख है, हमारी बिटिया से लिखवा लिया। क्या लिखवा लिया आपकी बिटिया से? हमारी लड़की से ये लिखवाया कि हम कार्रवाई हम नहीं चाहते, अब हम संकुश हैं। ये किसने लिखवाया आपकी बिटिया से? रविंद्र कुमार ने लिखवाया, मतलब उन्होंने ये लिखवाया आपकी बच्ची से कि आप कार्रवाई नहीं चाहती है और आप जो है संतुष्ट हैं। संतुष्ट है, ये लिखवाया हमारी लड़की से। हमें पता नहीं था ये सब मामले में, हम रहते नहीं कभी ना, हम ये सब मामले में पड़े हैं, पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है, बच्ची जब चौकी पे गई थी और पुलिस, बच्ची ये समझ रही है भाई नहीं मिल रहा है और मेरा भाई गायब है, पुलिस कह रही है कि लिख के दीजिए हम कार्रवाई, वो कागज हम को दिखाइए जिस कागज पे उन्होंने वो तहरीर लिखवाई है। मेरे पास है कागज, आप देख सकते हैं, ये वो तहरीर है जिसपे जो है रविंदर कुमार, जो इन्होंने बताया है, उन्होंने ये लिखवा लिया कि हम कार्रवाई नहीं चाहते और हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। कार्रवाई चल रही, आप परेशान मत होइए, आपकी कार्रवाई जारी है, मगर कोई सूचना नहीं मिली अभी तक, पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही। तो मतलब आप जो पुलिस की पूरी कार्यशैली है उससे कहीं से भी संतुष्ट नहीं है? नहीं है, कहीं से नहीं, जब तक मेरा बेटा नहीं मिलता। तो जो थाना प्रभारी है हरिदास चौरसिया, जो चौकी प्रभारी है, ये पाड़ेगंज चौकी प्रभारी जो हरिदास चौरसिया है, इनसे कभी आपकी बातचीत हुई है? इन्होंने क्या कहा? इनसे तो वही चौकी पे बात हुई थी, उसके बाद में उन्होंने दे दिया रविंदर को दे दिया, कहने लगे, हाँ कहने लगे अब ये केस।
शिवम मौर्या को पहले दिया गया था, उसके बाद में इनको बाद में कहा इनको दे दीजिए, उनको दे दिया, उन्होंने लिखवा लिया हमसे हमारी लड़की से। जैसा कि आपने इस पीड़ित महिला के से सुना, किस तरह कितने अफसोस की बात है कि जिस प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री विराजमान हो, उसके बाद भी एक पीड़ित महिला, एक बुजुर्ग महिला थाने और चौकी के चक्कर काट रही है। लगभग दो महीने से उसका बेटा लापता है, दो महीने से अधिक का समय हो गया, और पुलिस कार्रवाई के नाम पर क्या कर रही है, पुलिस कार्रवाई के नाम पर उस लड़के के भाई को बुलाती है और अपना पल्ला झाड़ते हुए एक लेटर से एक तहरीर लिखवा लेती है कि मैं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। ये एक बड़े अफसोस की बात है। और जिस माँ का बेटा गायब हुआ, जिन बहनों का भाई गायब हुआ, इस घर में एक मातम सा परसा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी, इस खबर के चलने के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और कितनी जल्दी इनके लड़के को, बेटे को ढूंढने में पुलिस कामयाबी हासिल करती है। कैमरा पर्सन अनवीन कुमार के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।